हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल आर ग्रेट। लास्ट क्लास वी हैड डिस्कस चैप्टर 5 एंड अंडरस्टैंड द चैप्टर। टुडे वी विल डिस्कस लेट्स एक्सेस। ए में टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट में इन ए विलेज देयर लिव्ड एन ओल्ड फार्मर, तो फर्स्ट का बी होगा। एक गांव में एक बूढ़ा फार्मर रहता था। सेकेंड में वेन द डंकी हर्ड द फार्मर ही बिकेम वेरी सैड। जब डंकी फार्मर का बात सुनता है तो वो सैड हो जाता है। टू का ए। ऑन द वे द डंकी मेट एन ओल्ड। थर्ड में ऑन द वे द डंकी मेट एन ओल्ड डॉग, तो थर्ड का सी। फोर्थ में द फोर फ्रेंड्स डिसाइडेड टू गो वाराणसी, फोर्थ का बी। अब हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे। बी फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट बॉक्स। आप लोग को ब्लैंक्स को फिल करना है हिंट बॉक्स के हेल्प से। फर्स्ट में द डंकी वाज गेटिंग ओल्ड एंड वीक, तो हम लोग लिखेंगे ओल्ड एंड वीक। सेकंड में द डंकी रैन अवे अर्ली मॉर्निंग फ्रॉम द फार्मर्स हाउस, मॉर्निंग लिखेंगे सेकंड में। डंकी सुबह सुबह अपने फार्मर के हाउस से भाग जाता है। इन द इवनिंग द फोर फ्रेंड्स रीच्ड अ फॉरेस्ट। इवनिंग में फोर फ्रेंड चारों दोस्त एक जंगल पहुंचते हैं, तो यहाँ इवनिंग लिखिएगा थर्ड में। द डंकी सेड माय मास्टर डजंट वांट मी इन द हाउस, डॉग बोलता है कि मेरे मालिक मुझे अपने घर में नहीं चाहते हैं। फोर्थ में मास्टर। फिफ्थ में द कॉक सेड आई सी ए लाइट ऑन द टॉप ऑफ द हिल, कॉक बोलता है कि मैं एक पहाड़ के टॉप पे मतलब ऊंचाई पर एक लाइट देख रहा हूं। सी में राइट टी फॉर ट्रू एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। ट्रू के लिए, ट्रू स्टेटमेंट के लिए, सही स्टेटमेंट के लिए टी लिखना है और गलत स्टेटमेंट के लिए एफ लिखना है। फर्स्ट में द डंकी रैन अवे फ्रॉम मास्टर्स हाउस, डंकी अपने मालिक के घर से भाग जाता है, तो ट्रू है, आप लोग टी लिखिएगा। सेकंड में द कॉक वाज टायर्ड एंड वीक, कॉक टायर्ड और वीक हो गया था। कॉक टायर्ड और वीक नहीं हुआ था तो हम लोग फॉल्स लिखेंगे। द फोर फ्रेंड्स वॉन्टेड टू गो वाराणसी, चारों दोस्त वाराणसी जाना चाहते थे, ट्रू है, आप लोग टी लिखिए। फोर्थ में द मिस्ट्रेस सन वांटेड टू किल द कॉक फॉर डिनर, मालकिन का बेटा कॉक को मारना चाहता था डिनर के लिए, तो ये फॉल्स है, उसकी डॉटर मारना चाहती थी, आप लोग फॉल्स लिखेंगे। फिफ्थ में द डॉग सॉ ए लाइट ऑन द टॉप ऑफ द हिल, डॉग पहाड़ की ऊंचाई पर एक लाइट देखता है, डॉग नहीं देखता है, कॉक देखता है, तो यहाँ फॉल्स होगा। फिफ्थ में भी आप लोग फॉल्स लिखिएगा। डी में राइट हु सेड टू हुम, कौन किससे बोलता है, हम लोग को यहाँ पर लिखना है कि कौन बोलता है और किससे बोलता है। फर्स्ट में आई एम गेटिंग ओल्ड, मैं बूढ़ा और कमजोर हो रहा हूँ, तो डॉग बोलता है डंकी से, द डॉग सेड टू द डंकी। Our donkey is now getting old and weak. The farmer बोलता है wife से कि हमारा donkey old और बूढ़ा और कमजोर हो रहा है। Third में come with us to the city of Varanasi. Donkey बोलता है the donkey to the cock. I see a light on the top of the hill. The cock बोलता है friend से, सारे दोस्तों से बोलता है। You have a good voice. We will go to Varanasi and sing there. Donkey बोलता है, the donkey said to the cat. He may answer the following question. First में, what did the old farmer say to his wife? बूढ़ा किसान अपने वाइफ से क्या बोलता है? The old farmer said to his wife, our donkey is now getting old and weak. Let's sell him or drive him out. बूढ़ा किसान अपनी वाइफ से बोलता, हमारा डंकी बूढ़ा और कमजोर हो चुका है, चलो हम इसे बेच देते हैं या बाहर निकाल देते हैं। सेकंड में, व्हाट डिड द डंकी थिंक आफ्टर लिसनिंग टू द फार्मर,
डंकी क्या सोचता है फार्मर की बातों को सुनकर? द डंकी थॉट माई मास्टर डजेंट लव मी एनी मोर। डंकी सोचता है कि मेरे मालिक अब मुझसे प्यार नहीं करते हैं। थर्ड में व्हाट डिड द कॉक्स मिस्ट्रेस से टू हर डॉटर। कॉक की मालकिन अपनी बेटी से बोलती है कि हम लोग इसे किल कर देंगे डिनर के लिए। फोर्थ में व्हाट डिड द डॉग टेल टू द डंकी। डॉग डंकी से क्या बोलता है? द डॉग टोल्ड टू द डंकी दैट ही इज गेटिंग ओल्ड एंड वीक। डॉग बोलता है डंकी से कि वह बूढ़ा और कमजोर हो चुका है। हु वेयर द फोर फ्रेंड्स। चार दोस्त कौन थे? द डंकी द डॉग द कैट एंड द कॉक वेयर द फोर फ्रेंड्स। ये चारों दोस्त थे। सिक्स में वेयर डिड द फोर फ्रेंड्स डिसाइड टू गो। द फोर फ्रेंड्स डिसाइडेड टू गो टू वाराणसी। चार दोस्त कहाँ जाने का निर्णय लेते हैं? चार दोस्त वाराणसी जाने का डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप लोग पेज नंबर 29 और 30 बना कर लाइएगा। होमवर्क में लिख लीजिए, डू पेज नंबर 29 एंड 30। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू सो मच।